सनातन सामाजिक लौकिक व्यवस्था में शरीर को अग्नि संस्कारित करके अस्थि कलश विसर्जित किया जाता है। सनातन अवधारणा के अनुसार शरीर और प्राण दो अलग अलग तत्व हैं। इसके बावजूद कुछ लोग किसी चमत्कारिक घटना की कहानी से प्रभावित होकर बहकावे के कारण उन स्थानों की पूजा करते हैं जहां शरीरों को उन संप्रदायों की प्रथा अनुसार मृत्यु के बाद भूमिगत कर दिया जाता है। सनातनी लोगों के लिए ऐसा करना वर्जित है। सनातन सामाजिक लोकगीत व्यवस्था अनुसार मृत देह को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, उसकी अस्थियों एवं भस्म को गंगा या अन्य पवित्र नदी को सौंपा जाता है। सामान्य हिंदुओं एवं हिंदू आदिवासियों में भी मृतक के मरने के 11वें दिन को अति महत्वपूर्ण माना गया है। 11 दिन बाद शरीर से पृथक हुए प्राण को पूर्वजों के साथ मिलाकर ब्रह्मा के अर्थात परम ऊर्जा में समाविष्ट करने का नियम है। तदुपरांत सवा महीने तक दिवंगत आत्मा की स्मृति में ऐसे कार्य जो विलासिता की श्रेणी में आते हैं को संपन्न करने कराने की अनुमति सनातन में नहीं है। सनातन ऐसे किसी विषय को रोकता नहीं है जिसमें कि किसी परिवार का हित छुपा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार, रोजगार के लिए पर्यटन इत्यादि। क्योंकि सनातन व्यवस्था में विकल्पों का महत्व है तथा जीवनचर्या के लिए विकल्प भी मौजूद है, ऐसी स्थिति में मृत्यु के उपरांत उत्तर कर्मों की काल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप स्थायी नियम है, किसी की मृत्यु के एक वर्ष उपरांत घर में शुभ कार्य हो सकते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर 12 माह उपरांत होने वाली बरसी की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर विवाह जैसा कार्य संपादित किया जा रहा हो और उसी समय परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो उत्तर कर्म तथा विवाह समानांतर रूप में संपन्न किए जा सकते हैं। सनातन कट्टर व्यवस्था को विकल्पों के तौर पर समाप्त करने की सलाह देता है। सनातन का हर संप्रदाय अपने अपने नियम बनाता है। इससे सनातन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सनातन धर्म है, ना कि सांप्रदायिक व्यवस्था। सनातन जिस ईश्वर की कल्पना करता है वह ईश्वर प्रत्येक जीव के साथ समानता का व्यवहार करता है। सनातन को अनुसरित करने वाला व्यक्ति चाहे वह शैव, वैष्णव, शाक्त अथवा आर्ष ही क्यों न हो, सभी एक ब्रह्मा की कल्पना करते हैं। यही अद्वैत है। पृथक से किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना मूल रूप से सनातन में नहीं की गई। ऐसी मेरी अवधारणा है, सर्वमान्य ग्रंथों में स्वर्ग नर्क की परिकल्पना नहीं है। इंद्र के साम्राज्य की स्थिति को हम स्वर्ग के रूप में देखते हैं। इंद्र के समकालीन रक्ष संस्कृति के संबंध में व्यापक पड़ताल की जा सकती है। राक्षसों के ब्रह्मा और देवताओं के ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं देखा गया है। ईश्वर के प्रति विश्वास, अविश्वास, आस्था, अनास्था हर समय रही है। चलिए कुछ समय के लिए हम एक परम ऊर्जा की कल्पना कर लेते हैं। तो ब्रह्मा एक परम ऊर्जा है। हमारे प्राण उसी परम ऊर्जा के अंश होते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम सनातन धर्म के अनुयायी मृतक के पिंड अपने पूर्वजों के पिंडों के साथ मिलाकर सहपिंडी की प्रक्रिया का निष्पादन करते हैं। इस रिचुअल के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह कि हम अपने पूर्वजों को पहचानें और उन्हें याद रखें तथा दूसरा पक्ष यह है कि पिछली 3 पीढ़ियों के वंशानुक्रम को याद रखें। इसी से मिलता जुलता रिचुअल शादी के समय भी होता है। तब गोत्र का उच्चारण सार्वजनिक रूप से किया जाता है। पिछली 3 पीढ़ियां में अगर वर वधु के गोत्र में कभी भी एकरूपता मिल जाए तो विवाह शून्य माना जाता है। सहगोत्रीय होने से चिकित्सक की अनुशंसा अनुसार सेरेब्रल पाल्सी जैसे रोगों का होना देखा जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत सत्य भी है। भारत में हिंदू मृत शरीरों को भस्मीभूत करते हैं, जल प्रवाह भी करते हैं, पर सामान्य रूप से अंतिम संस्कार अग्नि में ही किया जाता है।
इसके पीछे लॉजिक किया है कि यदि शरीर जीवाणु या विषाणु से युक्त है तो तापमान से उसे समाप्त किया जा सके। इजिप्ट में फेरोज को ममीफाइड करने के पूर्व मिश्र अर्थात इजिप्ट के लोग वे उसे विशेष प्रकार के प्राकृतिक लेपों से सुरक्षित रखते थे। इजिप्शियन लोग भारत की तरह ही पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। वे मृतकों को ममी के स्वरूप में सुरक्षित रखते थे ताकि पुनर्जन्म की स्थिति में मृतक के प्राणों को पुनः इस शरीर में स्थान मिल सके। भारत की सनातन लौकिक सामाजिक व्यवस्था इससे पृथक विचार देती है। सनातन चिंतन के अनुसार शरीर और प्राण के अलग अलग हो जाने पर प्राण उस शरीर में वापस नहीं आ सकता। सामान्य वातावरण में प्राण विहीन शरीर एक निश्चित अवधि के बाद शरीर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। आथ अग्नि संस्कार ही उचित तरीका है। जीव के भौतिक शरीर को मृत्यु के बाद अग्नि को सौंपा जाए या उसे भूमि को समर्पित किया जाए। सनातन इस संदर्भ में केवल योगियों महर्षियों ब्रह्मचारियों के लिए भूमि को समर्पित करने की व्यवस्था देता है, परंतु यह भी वैकल्पिक तौर पर। हम अमर आत्मा की पूजन करते हैं। सनातन लौकिक सामाजिक व्यवस्था की मान्यता है कि आत्मा नामक ऊर्जा या तत्व का मृत्यु के उपरांत परम ऊर्जा से मिल जाती है, और जिस ऊर्जा का मिलन प्रमुख ऊर्जा अर्थात ब्रह्मा से नहीं होता तो वह या तो पुनः जन्म लेती हैं, अर्थात ऐसी आत्माएं जन्म लेने के लिए किसी भी योनि में प्रविष्ट हो सकती है। हमारी सनातनी मान्यता है कि हमें उन आत्माओं की प्रति तर्पण जैसी प्रक्रिया करने से आत्मा जिस योनि में जन्म लेती है वो आत्मिक सुख का अनुभव होता है। हमें किन लोगों की समाधि पर पूजन करनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब यह है कि हमें केवल ऐसे मृत समाधिष्ठ महाज्ञानियों तपस्वियों और ब्रह्मचारियों की पूजन करने की आज्ञा है। ऐसे लोग वे होते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाकर लौकिक जीवन में ही ब्रह्मा के अनुरूप आचरण कर लिया हो। सन्यासियों के दिवंगत हो जाने पर उनकी समाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी मत एवं संप्रदाय के मृतकों की समाधि की पूजा करना वर्जित है। समाधिष्ठ योगियों सन्यासियों ब्रह्मचारियों का पूजन करना केवल भावात्मक और व्यक्तिगत आस्था का मामला है। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी ऐसे मत या संप्रदाय के व्यक्तियों की समाधियों पूजन करने की अनुमति नहीं है। इसमें केवल नर कंकाल के अलावा कुछ नहीं होता। यह भी मान्यता है कि जो लोग मृत शरीरों को संभाल कर रखते हैं तथा उनकी पूजन करते हैं उससे कुलदेवी या कुलदेवता रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कुल की रक्षा कुलदेवी या कुलदेवता द्वारा की जाती है, ना कि किसी अन्य के द्वारा। कुलदेवी अथवा कुलदेवता हमारे कुल की रक्षा और उन्हें सतत आशीर्वचन देने का दायित्व निभाते हैं, किंतु हम भ्रमित होकर अन्य संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की समाधि पर आराधना करना सनातन में वर्जित है। ऐसा करने से कुलदेवी अथवा कुलदेवता के प्रति आपका अविश्वास प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में जो सनातनी व्यक्ति है उसे कभी भी किसी अन्य संप्रदाय के प्रति आस्था रखने वालों से संबंधित समाधि पर न तो जाना चाहिए और न ही उन पर विश्वास ही करना चाहिए, क्योंकि हम अस्थि पूजक नहीं हैं, हम ब्रह्मा के आराधक हैं। हमारी कुल देवी या देवता के प्रति आस्था ना रखते हुए हम अगर अन्य किसी पर विश्वास करते हैं तो यह अपने ही कुल देवी या देवता के प्रति सकारात्मक श्रद्धा से खुद को अलग कर लेते हैं। जिनके घर में श्राद्ध पक्ष एवं कुलदेवी और कुलदेवताओं का पूजन किया जाता है उन्हें किसी अन्य गैर सनातनी व्यक्ति की समाधि पर जाना शास्त्र सम्मत नहीं है, भले ही वे कितने महत्वपूर्ण क्यों न हो। आज से ही जो भी कब्रों दरगाह अथवा ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें भ्रम होता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, वास्तव में यह भ्रामक प्रचार के कारण होता है। पंडितों एवं आचार्यों को चाहिए कि वे इस संदेश को हर तरफ विस्तारित करें। हाँ, यदि आप अन्य किसी संप्रदाय को मानते हैं तो आप यह सब कर सकते हैं, इसे हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ऐसा करना स्पष्ट रूप से वर्जित है।